किसी देश का, किसी राज्य का विकास की जब बातें होती है तो चौड़ी हुई चौड़ी सड़कें और लंबे लंबे पुल, ब्रिज, ओवर ब्रिज, तमाम चीजें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि ये विकास के सफल उदाहरणों में से एक हैं। लेकिन उन विकास के उदाहरणों में कुछ ऐसे भी धब्बे हैं जिसका उन विकास के तमाम दावों को खारिज कर देता है। जी हाँ, हम आज आपको एक ऐसे ही पुल को दिखाने जा रहे हैं जिसके चलते आए दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जो किसान हैं उनकी जो विकास है, जो खेती की जो रफ्तार है, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। लेकिन अपने जुगाड़ से और अपनी व्यवस्थाओं से वो पुल बनाते हैं और पुल ऐसा जिसे आप देखेंगे तो हैरान तो जरूर हो जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों से साथ देश के लोगों और तमाम बड़े लोगों से मैं बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं एक यह पुल को। ये देखिए, ये पुल, ये जो पुल बनाया गया है, ये आप पुल सोच रहे होंगे कि ये पुल है या इसे आप क्या नाम देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये जो पुल है, ये पुल ही है यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार। उन्होंने अपने क्षमता और अपनी जरूरत के अनुसार एक छोटा सा पुल बना दिया है। जो पुल का जो रूप है वो ये है कि ये जो बिजली के, आप जो बिजली के खंभे, जिन सीमेंट खंभों लगाए जाते हैं वो सीमेंट का होता है, उसके सहारे ये ब्रिज बनाए हुए हैं, पुल बनाए हुए हैं। खैर, ये उनके अनुसार है, लेकिन हम इसे पुल तो नहीं ही कहेंगे। जिस समय ये, जी हाँ, ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये पुल है कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले दुर्गावती नदी के बमहूर गांव और नरहन गांव, जो दो गांव हैं उनको जोड़ता है। लेकिन केवल इस पुल से आने जाने वाले जो राही हैं केवल दो गांव के नहीं है, बल्कि आसपास के कई गांव के लोग हैं। करीब 10 से 15 हजार आबादी का ये जो सफर है, ये जो लोग हैं वो इस पुल से आते जाते हैं। यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, सब कुछ हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? देवेंद्र चौधरी। देवेंद्र जी, क्या बनाए हैं आप? ये आप लोग बनाए हैं कि सरकार बनाए है? हम लोग बनाए हैं अपने तरफ से। क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अरे, हम लोग दोनों पार में एक ही जात के मला है, एक ही गाँव के जी, दोनों पार खेती है, इसीलिए बनवाए हैं। कितनी दिक्कतें हैं? अब दिक्कत हो तो क्या करें हम लोग। किसी से गुहार लगाए हैं? नहीं। क्यों नहीं लगाए? दिक्कत है तो गुहार लगाइए। गुहार का लगाए काम ही होता नहीं है। काम नहीं होता है? नहीं। आपने गुहार नहीं लगाया फिर काम कैसे नहीं होता है? अच्छा, ये बताए, कोकोबेर घाट बनाने के लिए आए लोग चले जाते हैं इलेक्शन में। अच्छा, नाप कर चले जाते हैं इलेक्शन जब आता है, तो बाकी समय अभी तो मान लीजिए पानी कम है, बाद जब बढ़ जाता होगा तब क्या हाल होता होगा? अरे, इससे ऊपर है तो नाव चलेगी। अच्छा, नाव जब चलती है, इधर आइए थोड़ा सा, आप देखिए, रुकिए थोड़ा सा, इनसे बात कर लें। चाचा जी आ ही गए हैं तो फिर बात कर ही लिया जाए। कितनी दिक्कतें हैं? अरे, इस कैसे पार करते हैं? इस दिक्कत का कोई सीमा नहीं है कि कितनी दिक्कत है। हाँ, यानी अपने मुंह से कहेंगे भी तो दिक्कत की परेशानी कहीं दूर होने वाली नहीं, इतनी दिक्कत है। अच्छा। पब्लिक को और जनता को, छोटे छोटे बच्चे समझे कि गिर जाते हैं इसमें, डूबने लगते हैं, आदमी पब्लिक छान रही है, ऐसे ऐसे हाल हो जाता है। कुछ घटना आए दिन होते रहते हैं क्या? एकदम बराबर होता रहता है घटना उठना। अब आप देखिए, ये जो पुल है आप देखिए, यहाँ पे नजदीक आइए, ये देखिए, बनाया गया जिंदगी से खिलवाड़ वाला ब्रिज बनाया गया, देखिए। अब ये क्या है, अब इसे आप क्या कहेंगे, पुल ही कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र, जो सरकार के कई दावे हैं, कई विकास के वादे हैं कि हम गांव बदल रहे हैं, रूपरेखा गांव की बदल रही है, विकास के कई माय रखे जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं विकास की पगडंडियों में, जो गांव में चल रहे हैं उन पगडंडियों में से एक पगडंडी ये भी है जो आए दिन किसी ना किसी के जिंदगी से खिलवाड़ हो ही जाता होगा, कोई ऐसी घटनाएं हो ही जाती होंगी और ये हमसे ज्यादा यहाँ के गाँव के लोग बताएंगे। तो पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? गोपाल मौर्य। गोपाल जी, पुल न बनने से या इस तरह की व्यवस्था होने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? पहली दिक्कत तो है कि उस पार की खेती इस पार होती है और इस पार की खेती उस पार होती है,
तो जब पानी भर जाता है तो खेती का कोई भी साधन ले जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर घूम कर आना पड़ता है। यहाँ से मटियारी होकर सिया पोखर पुल होकर नहर पकड़ कर आते हैं और फिर वहाँ से उसी रास्ते से इधर आते हैं। अच्छा। खाद पानी बीज गाड़ी ट्रैक्टर सब लेने में इतना दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कतें है कि इस रास्ते से अगर पुल बन जाती है तो दोनों तरफ रोड है और रोड के सहारे यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश जाने के लिए रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। ये बताइए चा ये जो क्या नाम पड़ेगा पहले आपका? ओम प्रकाश निषाद। निषाद जी ये बताइए ये जो बन रही पुल आप लोगों ने बनवाया कैसे बनाया? ये हम लोग अपने माध्यम से बनवाया है जो कि सब कुछ खरीद करके अपने का आने जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो है ये स्कूल में पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो LKG और UKG के ये यहाँ पर पढ़ते हैं और नॉन मैट्रिक और मैट्रिक के लोग जो है यहाँ के 150 लड़के ये बमहोर पार में जाते हैं, बमहोर स्कूल में जाते हैं। हाँ। अच्छा। और बाजार वजार करना पड़ता है तो इधर के लोग जो है जाते हैं और इन लोग कचहरी चोरी करनी हो तो मोहन भगुआ पड़ता है मोहनिया, तो अब ये लोग 14 किलोमीटर घूम करके वो जाते हैं। अच्छा। अगर ये बन जाए तो कितना हो जाए? बहुत सा आधा रास्ता कट जाएगा, आधा खर्च कट जाएगा, परिवहन खर्च बच जाएगा, हम लोग काफी बेनिफिट होगा। अच्छा। बाजार सब्जी चाहे कोई भी माल ले जाने में चाहे परिवहन दूरी तय करने में हम लोग को आधी खर्च बच जाएगा। तो ये है विकास और विकास में ये पुल जो बता रही है विकास की दौड़ को। देखिए उसी पगडंडी पे दौड़ रहे हैं ये विकास वाले जो ग्रामीण ने अपने मदद से बनाई है उस पगडंडी पे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ तो ये रहे हैं लेकिन बड़ी शौक से दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नाम पड़ी? चिंटू। चिंटू दौड़ रहे हैं, कभी गिरते हैं कि नहीं पानी उनी में? टेन। गिर जाते हो? कभी गिरे हो? एक खाली गिर गए हो? तो ये देखिए ये रफ्तार है और इस रफ्तार में कुछ कभी भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो हमें बस ये दिखाना था इस पुल को, इस विकास को, न किसी पे हमारा आरोप है न किसी पे हम पक्ष ले रहे हैं, बस जो वास्तविकता है, जो गांव के लोग सह रहे हैं, जो किसान सह रहे हैं, हम उसको बताने का बस प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।